नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहां हर दिन बाजार लगता था, जहां पर पंछियों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव चंदनपुर भी था, जहां टुन्नू नाम का एक चिड़ा अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से टुन्नू बहुत परेशान था, उसका ढाबा चल नहीं रहा था। टुनटुनी, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं चंदनपुर गांव के ज्यादातर पक्षी शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता मुझे भी हो रही है। आगे पिंकी की शादी करनी है। बंटी बेटा भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। वो इस बारे में बात कर रहा था। टुन्नू टुनटुनी की सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। बंटी अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहाँ नदी के किनारे एक बूढ़ा तोता अपनी नाव पर बैठा वो उससे पूछता है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। बंटी उस बूढ़े तोते को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा तोता उससे कहता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सकें। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है। इस पर ढाबा खोलकर तुम मुझे इसका किराया दे दिया करो। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता। ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा। मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे बंटी का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें बंटी बेटा की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। बंटी बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल, हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। टुन्नू और उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। टुनटुनी और पिंकी तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस बूढ़े तोता की नाव पर रख देते हैं। फिर वो एक गाँव में खाना लेकर पहुँचते हैं। गाँव के बाजार में पक्षी घूम रहे थे। नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर पक्षी हैरान रह जाते हैं और वहां आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा, ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। भाई, वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर। हाँ, पनीर, बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो दो थाली हमारी भी लगा दो भाई। टुन्नू के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। टुन्नू उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। टुन्नू, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बनी हमारी होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती थी। ये सब मेरे प्यारे बेटे बंटी के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा बंटी, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे।
बापू आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सकें। वैसे भला हूँ बूढ़े बाबा का, उन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, बंटी के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है टुनटुनी, तुम पिंकी के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। बंटी टुन्नू के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। एक दिन उन्हीं के गांव में रहने वाला कालू नाम का एक कौवा टुन्नू की सफलता से चलता था। एक दिन टुन्नू जब बूढ़े तोता को किराया देकर आ रहा था, कालू से देख लेता है। टुन्नू इतना खुश कैसे हो सकता है? यह मेरे से अमीर हो सकता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मुझे इस टुन्नू का कुछ करना ही होगा। एक दिन टुन्नू के जाने के बाद कालू उस बूढ़े तोता के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि टुन्नू तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है, अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। अगले दिन, क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा मुझे अपनी नाव दे दो, मैं टुन्नू से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये कालू कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान पक्षी दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्या रे कालू, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? है तेरे जैसे कौओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने नौकरों से कहकर तुझे इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो टुन्नू, मुझे माफ कर दो भाई, है मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आज के बाद टुन्नू को कभी तंग नहीं करूंगा। कालू सबसे माफ़ी मांगता है, उस दिन के बाद टुन्नू और टुनटुनी को वो कभी भी तंग नहीं करता। रोज की तरह टूनी और टुनटुनी चिड़िया अपनी फूल की टोकरी लेकर फूल बेचने के लिए कभी एक पेड़ से उस पेड़ जाती हैं। फूल ले लो, फूल ताजे ताजे फूल ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल ले लो। मुनमुन दीदी फूल लोगी? इसके बहुत ही सुंदर सुंदर रंग हैं। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, मेरे घर बहुत सारे फूल पड़े हैं। दीदी एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे खरीदने ही नहीं है तो मैं तुझसे फूल क्यों लूं? चल अब यहाँ से जा, तू कहीं और बेच अपने फूल। बहन जी, मैंने और मेरी बेटी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, एक फूल ले लीजिए ना, गरीब की दुआ लगेगी। तेरी बेटी ने नहीं खाया तो मैं क्या करूं? मैं तुम जैसी चिड़िया को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सब बस पैसे निकलवाने के बहाने हैं। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। खरी खोटी सुनकर टूनी और टुनटुनी वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। माँ वो देखो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाकर फूल बेचती हूँ। टुनटुनी उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया ये देखो मेरे पास ताजे ताजे फूल हैं, इन्हें हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा आपको। अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, किसी और को जाके अपने ये फूल बेचो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू कौवा टुनटुनी से बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। सफर से अभी तक एक भी फूल नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो माँ की दवाई कैसे आएगी? टुनटुनी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। तो क्यों रो रही है बेटा, क्या हुआ? माँ सुबह से शाम हो गई है और अभी तक एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? बेटा तू बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो किसी न किसी को हम गरीब की किस्मत बदलने के लिए भेजेगा। तभी उन्हें नदी पार एक बड़ा पेड़ दिखता है। टूनी और टुनटुनी अपनी फूल की टोकरी लेकर उस पेड़ पर बने घर के पास जाती है। साहिब ये फूल खरीद लीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहते कहते टूनी चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वो चिड़ा घर से बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ है इन्हें?
अंकल ये मेरी माँ है और ये बहुत बीमार है, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं और मेरे पास माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं है। वो मोंटू चिड़ा अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकाल कर टुनटुनी को देता है। नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं पर मेहनत करके खाते हैं। आप मेरे ये फूल खरीद लीजिए, तभी मैं आपके पैसे लूँगी। मोंटू चिड़ा टुनटुनी के सारे फूल खरीद लेता है और टुनटुनी की ईमानदारी देखकर वो टूनी और टुनटुनी को अपने घर में रख लेता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी क्या बेचा करती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सलमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। सलमा जिस छोटी सी दुकान को चला रही थी वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी सलमा कमाती उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से एक छोटा सा घोंसला जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। सलमा के परिवार में उसका बेटा अब्दुल और बेटी रेशमा थी। रह सहकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन सलमा दुकान पर जाने लगी। उसकी बेटी रेशमा बोली, अम्मी कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल रजिया जैसा। कल रजिया के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का बहुत सुंदर सलवार कमीज है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बढ़िया ही सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली हैं। देखना मेरे लिए लाएंगी अम्मी, और कल की ईद ही मुझे ही मिलेगी। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर सलमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे सलमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह मैं ही शायद अपनी औलादों को कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है, क्या करूँ अल्लाह। सलमा भले ही गरीब थी फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाती थी। वो दुकान पर जैसे ही पहुंची, एक कल्लू मियां कुछ आवारा पक्षियों के साथ वहां आया और सलमा से बोला, सलमा निकालो हफ्ते के पैसे, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। कल्लू मियां मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। यहाँ बाजार में सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊँगा, मेरे पैसे तैयार रखना। कल्लू मियाँ सलमा को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। सलमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात वो सोच में रहती है कि अगले दिन कल्लू मियाँ आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कल्लू मियाँ एक आवारा पक्षी था और सलमा को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। वो अल्लाह को याद करती हुई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो दुकान के लिए उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रोजाना की तरह वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, उसने देखा कि कौवी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। कई पक्षी उस कौवी के नजदीक से होकर गुजरने लगे पर किसी ने उस कौवी और उसके बच्चे की मदद नहीं की। सलमा तेजी से कौवी के पास गई और बच्चे को उठाकर सलमा सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर बुलबुल ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना। डॉक्टर बुलबुल उस कौवी का चेकअप करती है और सलमा से कहती है, थकान की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें इनके घर ले जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद उस कौवी को होश आया, उसने देखा कि उसका बच्चा सलमा की गोदी में है। कौवी को याद आया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाई है, अगर ये आपको यहाँ नहीं लाती तो आपकी जान को खतरा था, आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम मरियम कौवी है, आपने आज मेरी जान बचाई,
मेरे बच्चे को संभाला। आप जरूर ही खुदा की कोई नेक बंदी है। जी, ये आपका पर्स जब आप बेहोश हुई थी आपके हाथ से गिर गया था। मरियम कौवी पर्स में से मोबाइल निकाल कर अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है। मरियम कौवी के शौहर को देखकर सलमा हैरान हो जाती है। मरियम कौवी का शौहर और कोई नहीं बल्कि कल्लू मियां होता है, जो सलमा से हफ्ते के पैसे जबरन हड़पने आता था। मरियम कौवी कल्लू मियां को सारी बात बताती है। कल्लू मियां सलमा को देखकर और मरियम कौवी की बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वो सलमा से कहता है, सलमा बहन, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गई सलमा बहन। आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक मैंने गरीब की मेहनत के पैसों को लूटा है। शायद ये अल्लाह ने मुझे सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दो। कल्लू मियां, आपने अल्लाह के आगे अपने गुनाह मान लिया, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही अच्छी पक्षी होने का सबूत है। सलमा बहन ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप सलमा को उसकी मेहनत के सारे रुपए लौटा दीजिए। आपके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। कल्लू मियां सलमा के सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब पक्षी के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम खा लेता है। घर आकर सलमा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और जूते लेकर जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अगले दिन सलमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाती है।